सब्सक्राइब करें QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए. सब्सक्राइब टू QCL, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, यू विल नॉट मिस एनी अपडेटेड वीडियो नोटिफिकेशन. वेलकम टू QCL. आज है 17 नवंबर और आज की करंट अफेयर में मैं आपका वेलकम करती हूँ. मेरा रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा पूरे करंट अफेयर को, पूरा करंट अफेयर वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, कम्प्लीटली वॉच करते करते लाइक और उसके बाद शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने जो कमेंट्स हैं उनको ज़रूर लिखिए. बताइए कैसा लगा कंटेंट और क्वालिटी कैसी थी, आप लोगों को कितना समझ में आया, कोई क्वेरी क्वेश्चन सजेशन जो भी है मुझे ज़रूर बताएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 नवंबर का करंट अफेयर. तो 17 नवंबर का पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सुधार रिपोर्ट को जारी किसने किया है. स्वास्थ्य सुधार रिपोर्ट अभी किसने जारी की है, तो ये जारी की है नीति आयोग ने. किसने? नीति आयोग ने. अब नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजीव कुमार. राजीव कुमार जी की उपस्थिति में बिल गेट्स ने, किसने? बिल गेट्स ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, स्वास्थ्य सुधार रिपोर्ट को. ठीक है, अब ये रिपोर्ट जारी हुई है तो इसका जो टाइटल है वो आपको याद रखना है, हेल्थ फॉर अन्यूट फैमिली. हेल्थ फॉर अन्यूट फैमिली ये इसका टाइटल है. अब इसको नीति आयोग ने जारी किया है. तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में. नीति आयोग का हेडक्वार्टर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार. नीति आयोग के CEO का कौन है? CEO हैं अमिताभ कांत. और अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के, अपने भारत के प्रधानमंत्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रय विक्रय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रय विक्रय बैठक का आयोजन हुआ है. बागवानी और कृषि की क्रेता और विक्रेता संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में. ठीक, अब ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, पेमा खांडू इसके कौन है, वो है चीफ मिनिस्टर. बीडी मिश्रा कौन है, इसके गवर्नर हैं. ठीक, और ईटानगर इसकी कैपिटल है. अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बैठक आयोजित हुई है इसमें 7 देशों ने पार्टिसिपेशन किया है, जैसे कि ग्रीस, इंडोनेशिया, ग्रीस, UAE, ओमान, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 7 देशों ने किया है पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है 16 नवंबर को. 16 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस. प्रेस को और जिम्मेदार और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि प्रेस एक जिम्मेदारी और स्वतंत्रता को, एक जिम्मेदारी भी है और स्वतंत्रता को दर्शाता है. तो ज़्यादा स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के रूप में इस दिन को प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. किसका? कब? 16 नवंबर को मनाया जाता है हर साल. ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस. अब मैंने आपको बहुत बार नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट डेज जितने मैंने आज तक बताए हैं सबको आप लिखिए. अगर आप लिखेंगे तो आपको याद होगा. और प्लीज़ जो भी कंटेंट आपको भेजा जाता है उसको ध्यान से सुनिए, वॉच करने के साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. किसने अभी पूर्व अनुमान मौसम प्रणाली की खोज की है? किसने अभी पूर्व मौसम प्रणाली या एक नई मौसम तकनीक की खोज की है? तो ये की है IBM ने. किसने? IBM. ठीक है, तो इसमें क्या है कि 24 घंटे पहले बिल्कुल सटीक मौसम का पता लगाया जा सकता है. अभी भी 24 घंटे पहले ही अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इसके ज़रिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्कुल 24 घंटे पहले
सटीक मौसम का बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। तो पूर्व मौसम प्रणाली किसने विकसित की है? IBM ने। अब ये IBM ने की है, तो IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अच्छा ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। IBM की स्थापना 1911 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी सहिष्णुता दिवस कौन सा? सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। सहिष्णुता को क्या कहते हैं? टॉलरेंस। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस या सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को। अभी मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और ये जो है सहिष्णुता दिवस, इसको भी मनाया जाता है कब? इसको भी मनाया जाता है कब? 16 नवंबर को। समाज में ज़्यादा टॉलरेंस को बढ़ावा, सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए और इसके फ़ायदे समाज के बेनिफिट के लिए, इसके बेनिफिट से परिचित कराने के लिए मनाया जाता है 16 नवंबर को सहिष्णुता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने निष्ठा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो निष्ठा प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो निष्ठा प्रोग्राम की शुरुआत की है किस राज्य ने? जम्मू एंड कश्मीर ने। किसने? जम्मू एंड कश्मीर। देखिए निष्ठा प्रोग्राम क्या है, इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड टीचर्स हेड नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स ट्रेनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दोबारा सुन लीजिए, माफ़ कीजिए, है ना थोड़ा बड़ी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, इतना याद हुआ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, NISH हो गया ये। अब टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये निष्ठा, ये प्राइमरी एजुकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए, टीचर्स की जॉइनिंग से पहले उनकी ट्रेनिंग के लिए और कई बेहतरीन चीज़ों को टीचिंग्स में शामिल करने के लिए ये मनाया जाता है, इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, इसको शुरू किया गया है, किस प्रोग्राम को? निष्ठा। किस क्या है ये? निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो एडवांसमेंट लाने के लिए टीचिंग्स में ये जो है प्राइमरी एजुकेशन के सुधार के लिए और टीचर्स को जॉइनिंग से पहले ट्रेनिंग के लिए ये शुरू किया गया है निष्ठा प्रोग्राम। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल तो अब होगी नहीं क्योंकि वो तो UT है, ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब तो UT है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अभी गोल्डन लीफ पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया ने। किसने? तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तंबाकू की कृषि में मतलब एक कहना चाहिए सतर्कता लाने में और उसकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये मिला है तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया ने जीता है कौन सा पुरस्कार? गोल्डन लीफ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने एशियन फिल्म महोत्सव में अवार्ड जीता है? तो ये एक फिल्म है भोसले। क्या है? भोसले। ठीक, अब ये जो भोसले है इसमें मनोज वाजपेयी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने और इसी के लिए इस भोसले मूवी को मिला है ये मिला है एशियन फिल्म महोत्सव में भोसले मूवी को
पुरस्कार अवार्ड मिला। अच्छा ये हुआ कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हुआ है, ये हुआ है किस जगह, ये हुआ है बार्सिलोना में, एशियन फिल्म महोत्सव। कहाँ आयोजित हुआ है, बार्सिलोना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लेने से पहले ये देख लीजिए कि ये जो पुरस्कार जीता है ना, गोल्डन लीफ पुरस्कार तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ये टैप एक्सपो में इन्होंने जीता है। और ये एमस्टरडम में हुआ था, क्या एमस्टरडम में जीता था टैप एक्सपो में। और फिल्म जो एशियन मूवी बताई वो कहाँ हुआ है, वो बार्सिलोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, हाँ यस, क्वेश्चन ये है कि सुशासन प्रकृतियों पर एक सम्मेलन का आयोजन की शुरुआत कहाँ हुई है। सुशासन प्रतिकृतियों पर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। सुशासन कृतियां जो हैं, देखिए पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है पहले स्टेट थे, मतलब लद्दाख पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू कश्मीर स्टेट था, लेकिन अब है क्या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर यहाँ के प्रशासन के सुधार और ज्यादा सुधार के लिए लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, इन सब ने मिलकर सुशासन प्रतिकृतियों पर एक सम्मेलन की शुरुआत की है। कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लोक सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ एशिया का सबसे बड़ा लोक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये जो एशिया का सबसे बड़ा लोक सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ है, ये हुआ है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एशिया का सबसे बड़ा लोक सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। अब्दुल्ला हामिद कौन है, ये है इसके प्रेसिडेंट, और शेख हसीना कौन है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसे जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है स्वरूप अवस्थी, ठीक है, स्वरूप अवस्थी, और दूसरे हैं अनूप इब्राहिम। इनका पूरा नाम इतना ही याद रखिए, स्वरूप अवस्थी, ठीक है, वैसे इतना ही। तो एसएस अवस्थी वैसे इनका नाम है, एसएस अवस्थी, वैसे इतना याद रखिए, स्वरूप अवस्थी पूरा नाम एसएस अवस्थी है, तो एक एस का याद रखिए, स्वरूप, ठीक, स्वरूप अवस्थी और अनूप इब्राहिम, दोनों को मिला है एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म में अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में अभी राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यानी आदि महोत्सव का आयोजन हुआ है। जितने भी आदि महोत्सव के, जितने भी जनजाति महोत्सव के, तो आदि महोत्सव जो मनाया गया, जितने भी जनजाति मतलब जितने भी एस ट्राइबल्स के लोग हैं, उनको जो आदि लोग हैं उनके जो बेहतरीन, जिन लोगों के अंदर आर्ट्स हैं, टैलेंट हैं, उन लोगों को प्रेजेंट करने के लिए ये मनाया गया है नई दिल्ली में। कौन सा, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव या राष्ट्रीय जनजाति या आदि महोत्सव, ठीक है ना, ये इसको याद रखिए। इसकी सेलिब्रेशन ऑफ क्राफ्ट के नाम से इसकी थीम को याद रखिए। बहुत बड़ी थीम है तो इतनी बड़ी बताना तो मुश्किल है, लेकिन सेलिब्रेशन ऑफ क्राफ्ट से शुरू होगा तो आपको ऑप्शन में थीम ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में अभी इसका आयोजन हुआ है। ओके, तो बाकी तो कोई कमेंट में लिखिएगा मुझे कोई प्रॉब्लम हो, और बाकी जो आपसे कहती हूँ याद रखने के लिए, रिवाइज के लिए, उस सब के लिए भी आप जो है मतलब प्लीज़ फुल वो वीडियो को वॉच किया करें, लाइक शेयर किया करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।